हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं यूपी के एक छोटे से गांव से हूं। वैसे तो आप लोग सोचते होंगे गांव में लोग क्या करते हैं, तो हम लोग दोस्त फ्रेंड हम खेती बाड़ी करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, मैं ये फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूं, तो मैं बहुत देखा हूं कि बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए मैं भी बनाने लगा हूँ। सोच रहा हूँ बैठने से क्या होगा, हम लोग खेती करते हैं बैठे रहते हैं, इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं, ये मेरा खेत है इधर, हम लोग इसमें अभी फ़िलहाल अभी गेहूं लगाए हुए हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा गेहूं देख के? अभी ये मान लो इस महीने बाद कटने वाला है। और ये मेरा घर है दोस्तों, इसको हमने अभी फ़िलहाल बनवाया है, यहाँ पे फ़िलहाल अभी रह रहे हैं। और आपको बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्या फालतू घूमते हो, खेती करते हो घूमते हो, तो हम लोग सोचा कि वीडियो ही बनाते हैं। बहुत लोगों की वीडियो देखे हैं ब्लॉग में कि सब लोग बनाते हैं फ्रेंड, तो मैं भी सोचा मैं भी फर्स्ट ब्लॉग बनाता हूँ पहली बार। दोस्तों आपको कैसा लगा ये खेत देख के, आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा समरसेबल है ये, जिससे हम लोग पानी भरते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग इससे पानी कैसे भरते हैं, इतना बड़ा है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो दोस्तों हम ये आपको बताएंगे कि हम लोग पानी किससे भरते हैं, आपको बताएंगे क्या, आपको चला के दिखाएंगे भी कि हम लोग इससे पानी कैसे भरते हैं। दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में सब दिखा देंगे कि पानी इससे कैसे चला के भरते हैं। और दोस्तों मेरी फर्स्ट ब्लॉग थी, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी पहली बार बना रहा हूं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारा दरवाज़ा है ये, इससे हम लोग आते जाते हैं। और इधर पूरा मान लो जंगल पड़ा हुआ है, इधर हम लोग रहते हैं रात में। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही बना के देते रहेंगे। अभी इसको फ़िलहाल बनवाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो आपको पर डे डालूँगा, ऐसे ही आपको पर डे हमारी वीडियो मिलती रहेगी रोज़ शाम को। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन इंप्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद।